तो आ गए फिर से। तू सर दिया हादी आई हादी आई, मैं तो वो चमन प्रास खाना हूँ, मेरे को कुछ नहीं होता, बहुत ज्यादा ताकत है मेरे अंदर बहुत ज्यादा। अरे बस शाबा, तो ऐसे ही कुछ नाजुक से बच्चे होते हैं जो कि होशियारी दिखाने मेरे जाते हैं। अरे देखो भाई कितनी ठंड हो, मैं तो ठंडे पानी से ही नहाता हूँ, इससे क्या है ना कि हौसले बुलंद होते हैं। फिर यही नमूने बच्चे क्लास में सबसे पीछे खोपचे में बैठ के, इनके पास स्वेटर होता है लेकिन फिर भी स्कूल में पहन के नहीं आते, होशियारी दिखानी है ना इनको। सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस, खास क्यों था। बच्चों ऐसे मौसम में सर्दी जुखाम जोड़ों में दर्द बिल्कुल मामूली बात है, बट इसको रोकने के लिए ऑलवेज यूज हैंग की। ये लोगों का अपना एक अलग ही जोन बना हुआ है, इनकी फिलोसॉफी नेक्स्ट लेवल पे है। अरे देख भाई ऐसा ना कि असलियत में ये ठंड ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये सब अपने दिमाग में रहता है कुछ। और दिमाग किसके कंट्रोल में रहता है बोल अपने, मतलब कि ये जो ठंडी वगैरह है ये सब अपने कंट्रोल में है, समझा। और हाँ कुछ लोग तो सर्दियों में घर से बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेते हैं, लेकिन अरे भाई सुनना वो मैं क्या कह रहा था कि अरे भाई मैं नहीं आ पाऊंगा बिल्कुल, बहुत ज्यादा वाला फीवर हो रहा है मेरे को। अरे भाई पर मैं यूं कह रहा था कि अपने यहाँ नुक्कड़ पे भंडारा होने वाला आज। अरे वो फीवर तो क्या है ना कि अब रह गई सही, लेकिन अपन ऐसे काम थोड़ी ना छोड़ सकते, इतना इम्पोर्टेंट। हाँ वो भी है। अरे भाई वो विमल का बड़ा वाला झोला लेके आना, उसके अंदर अपन खाना भर भर के बेचेंगे। अरे भाई ये भी क्या कोई कहने की बात हुई, वो तो मैं लेके ही आऊंगा ना ऑब्वियसली। तो हमारे इधर लोग भंडारे के नाम पे चड्डिया फाड़ देते हैं, इनको पता चल जाता ना कि परसों भंडारा है तो ये लोग आज से ही खाना बंद कर देते हैं। अच्छा पूरी कॉलोनी में कोई भी खाना नहीं बनाएगा क्योंकि परसों अपने इधर भंडारा है, तो हम लोगों को पूरी तैयारी से जाना पड़ेगा, हमको आज से ही खाना पीना बंद करना पड़ेगा ताकि हमारा पेट खाली होता जाए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अरे छोड़ इधर दे, अभी नहीं खाना भूख मर जाएगी, नहीं तो परसों भंडारे में क्या करेगा फिर। और वहाँ पर भंडारे वाले दिन लोग पागल हुए पड़े, कुछ लोग वहाँ पीछे कोने में बैठ के इनो पी रहे। हाँ अब हो गया ना पेट साफ, अब पेट भर के खाना खाएंगे, खाना। सभी लोग कृपया भोजन प्रसादी लेके ही जाइएगा, ये भी कोई कहने की बात है, इसीलिए तो आए हम लोग, तीन दिन से भूखे प्यासे बैठे हुए हम लोग। और वहाँ पे लोग उनके बच्चों का गलत ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐ क्या जाओ वहाँ से दो पूड़ी लेके आ। और ये तुम्हारे घर के बुजुर्ग लोग, इनके जोड़ों में दर्द रहता है लेकिन तभी जब ये चाहे। बेटा एक गिलास गरम पानी। हाँ मैं बोलने ही वाला था, ला दो मेरे लिए। मेरे घुटने, मेरा बीमा कराया ना तुम लोगों ने, बिल्कुल हील ही नहीं पा रही हूँ मैं। मैं सही में मर रही हूँ, ये लो। ये कैसे असर हो यार आप, ये लोग दिन भर तुमसे ऐसे नाटक करके काम करवा लेंगे और फिर तुम शाम को देखो इन लोगों को अपनी सहेलियों के साथ मेंढक रेस लगवा रहे हैं ये लोग। कुई कुई आजा 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 कुई। और हर सर्दियों में ये इंडियन मॉम्स कुछ खूफिया जड़ी बूटी डाल के कोई से लड्डू बनाते हैं बेकार से चट, और उनको कहा जाता है ताकत के लड्डू। इतना दबाव डाला जाता है ना हमारे ऊपर, बेचारा बच्चा पानी पी पी के घटक रहा है उस चीज को। और जैसा कि सब लोग ये खाने में नाटक करते ही है, तो तुमको अलग से कमरे में ले जाके वहाँ की लाइटें बंद करी जाएगी और तुमको समझाया जाएगा प्यार से। देखते कोई पसंद है कि नहीं, नहीं कुछ भी हो जाए मैं तो नहीं खा लूंगा, थोड़ा बहुत पूरा खा लूंगा। डोमेस्टिक वायलेंस नाम की चीज ही नहीं होती है इंडिया में। बेटे देखो मेरे जैसी चुस्ती और फुर्ती चाहिए कि नहीं बता मेरे को, देखिए ऐसी बड़ी चाहिए तो खाना तो पड़ेगा। नीची है मेरे को ऐसी बॉडी, ताकत के लड्डू का कमाल। सो
आई एम श्योर कि तुमने ऐसे पहलवान लोगों को जरूर देखा होगा जो कि कड़कती ठंड में इस टी शर्ट में घूम रहे हैं। इनको लगता है कि ये पहलवानी दिखा रहे हैं। अरे ठंड नहीं लग रही क्या? देखो, अरे फैशन है फैशन, रोज 2 चम्मच च्यवनप्राश खाओ फिर पूरे शरीर में गर्मी पैदा कर दो। देखो चाहिए गर्मी, बोल ये ले। हाँ हाँ हाँ, गर्म तो है, गर्माहट है। पर अगले दिन जब तुम इन पहलवान लोगों को देखोगे तो मम्मा यार ये नाक तो खुल ही नहीं रही, मेरे से सांस नहीं ले पा रही। नी नी नंगे घूमो ना अपन तो, जाओ बाहर जाओ। मम्मा मेरे मुंह से सांस लेनी पड़ रही है। आजा तेरे विक्स लगा दूं, इससे गर्माहट पैदा होगी। ये नाक के अंदर घुसाओ, थोड़ी सी विक्स और बच रही है, ये ले 1 चम्मच विक्स खा भी ले। ये ले ताकत के लड्डू भी खा ले। ये ले 1 चम्मच च्यवनप्राश भी खा ले। खुल गई ना नाक। ओके तो दी एंड हो चुका।